एशिया पाम तेल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 5 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर दाम 4255 रिंगिट प्रति टन तक पहुंच गए हैं। इंडोनेशिया से सप्लाई कम होने की आशंका के चलते फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों का कहना है कि खाद्य तेलों में लंबी मंदी का दौर अब लगभग समाप्त हो गया है, और हालांकि आगे कितनी तेजी आएगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। दरअसल उत्पादक देशों ने बायोडीजल में पाम तेल मिश्रण की मात्रा बढ़ाकर 35% कर दी है, जिससे खाद्य तेल बाजार के लिए उपलब्ध होने के संकेत घट चुके हैं। अर्जेंटीना प्रसंस्कृत सोयाबीन का एक अग्रणी निर्यातक देश है। यह देश भी फिलहाल सूखे से जूझ रहा है। एक्सचेंज का अनुमान है कि सूखे के वजह से अर्जेंटीना की प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन की सोइंग में भी देरी हुई है, किंतु हाल ही में हुई वर्षा से फसल को राहत मिली है। यदि फिर से वर्षा से किसानों को सोइंग करने में मदद नहीं मिलती है तब सोइंग में 5 लाख हेक्टेयर की गिरावट आ सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन की सोइंग 1,67,000 हेक्टेयर में होने का अनुमान है, और अब तक सोइंग 72% के आसपास पूरी हो चुकी है, जो कि पिछले सीजन से 9 से 20% कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।